हाय फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड एंड इट्स लव। आशा करती हूँ कि आप सब सेफ, हेल्दी और खुश होंगे। हाल फिलहाल में मैंने अपने कॉम्प्लेक्स में छोटे बच्चों के साथ नो फायर रेसिपी का एक वर्कशॉप किया था। आप लोगों के साथ उस वर्कशॉप के कुछ ग्लिम्स और बच्चों के नटखट हरकतों के साथ उनकी की हुई रेसिपीज जो उन्होंने बहुत एंजॉय भी की थी, उसके बारे में मैं आपके साथ आगे इस वीडियो में शेयर करूंगी। यहाँ पर हमने तीन रेसिपीज बनाई थी। एक था कसाटा सैंडविच, एक कुरकुरे स्प्राउट चाट एंड ओरियो मिल्क शेक। तो आप इन रेसिपीज को जरूर देखना, मेरे बच्चों के इन वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। हम पहले क्या बनाएंगे, कसाटा सैंडविच बनाएंगे। तो उसके लिए हमने ये ब्रेड लिया जिसके हमने साइड्स कट किए। तो अब इस ब्रेड को लेके हम ऐसे बेलन से उसको बेलेंगे। ओके, जितना पतला कर सकते हैं उतना पतला करना है। ठीक है बच्चों, हाँ। चलो माही आप भी करो। अभी लो साइड्स पर, साइड्स को ज्यादा पतला करना, नहीं तो हमारा ब्रेड फट जाएगा। बटर लेंगे ऐसे और सब ब्रेड में लगाएंगे। ठीक है, फ्रॉम बोथ द साइड? नो, ओनली फ्रॉम वन साइड। अगर आपको बटर ज्यादा पसंद है तो थोड़ा ज्यादा लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन सब जगह पे लगना चाहिए। सी दिस वे, वेरी गुड। हम ब्रेड में बटर क्यों लगाते हैं पता है क्या तुम लोगों को? पता है क्यों? इट विल गेट सॉफ्ट। नो, वो सॉफ्ट होने के लिए नहीं। बटर है ना, ब्रेड को एक नॉनस्टिक कोटिंग देता है, जिसकी वजह से हम उसके ऊपर जो सॉस चटनी लगाते हैं उससे ब्रेड सॉगी नहीं होता है। दिस इज बटर कोटेड ब्रेड। ओके, अभी हम क्या करेंगे, अभी इसको प्लेट से नीचे उतारो, ऐसे लाइन में रखो, एक के बाजू में एक, हाँ एकदम बाजू में आना चाहिए। इफ यू कुड स्टिक इट ज्यादा अच्छा है, ऐसे प्रेस करके स्टिक करो, एक के ऊपर एक। हाँ, एक के ऊपर एक थोड़ा सा। वेरी गुड, माई इज डूइंग गुड जॉब, ताकि वो ब्रेड ऐसे लगे कि सब साथ में है। वेरी गुड दिव्या, ऑल ऑफ यू वेरी गुड। ओके, अभी हम क्या करेंगे, ये हरी चटनी लेंगे। ठीक है, यू हैव टू स्प्रेड इट ऑन ऑल द ब्रेड्स। अगर कम लगा तो फिर से बताओ। अभी इसको ऐसे ऐसे आराम से हम स्प्रेड करेंगे। हो गया सबका? नहीं। ओके, टेक योर टाइम। ओके, अब हम इसके ऊपर मेयोनीज, किसको किसको पसंद है? ठीक है, अब हम इस पे मेयोनीज डालेंगे थोड़ा। ओके, आप स्प्रेड करो, मैं डाल देती हूँ। आप अपने अपने ही नाइफ ले लो। दीवी जी, और चाहिए आपको? बस। चलो माही, अभी आप स्प्रेड करो। वेरी गुड माही, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करो स्प्रेड। अब इस पर हम सॉस डालेंगे। सॉस पसंद है सबको? हाँ। ओके, चलो अभी सब लोग स्प्रेड करो अच्छे से। पहले पोटैटो ले लो, एक एक पोटैटो सब डालो। बीच में, साइड में नहीं, बीच बीच में, हर एक स्लाइस में एटलीस्ट वन पोटैटो आना चाहिए। अभी ये ब्लैक पेपर पाउडर है, इसको थोड़ा सा लेके धीरे से, यहाँ नाक में उड़ेगा तो अच्छू अच्छू चालू होगा। एकदम धीरे धीरे डालो। वेरी गुड माही, इज डूइंग वेरी गुड जॉब, गुड आइडिया। दिवी जदर इज डूइंग वेरी गुड, शी नोज हाउ टू कुक, शी इज हेल्पिंग हर मदर ना। अभी टोमेटो स्लाइस उठाओ, एक एक पतले वाले उठाओ, बट बीच में मत रखना, जहां पे हमारा ज्वाइंट है ना वहां पे मत रखना, ऐसे साइड में किधर भी। अभी वो चाट मसाला है ना वो ले लो। गुड, एंड स्प्रिंकल इट एवरीवेयर। जितना ज्यादा चाट मसाला डालोगे, बहुत ज्यादा भी नहीं डालना, बट अच्छे से डालना चाट मसाला, टेस्टी होगा। अभी सब लोग ककड़ी, खीरा, कुकुम्बर जो भी बोलते हैं उसे उठाओ, थिनर थिनर वंस। डोंट पिक द
थिकर वंस। चलो ज्यादा डालोगे चलेगा, जिसको पसंद नहीं है वो थोड़ा कम डालेंगे चलेगा, जिसको पसंद है वो थोड़ा ज्यादा डालेगा चलेगा। हाँ चलो डालो। वेरी गुड। अभी अनियन किसको पसंद है? मुझे। सबको अनियन पसंद है? आर यू श्योर? ओके अभी अभी इसमें वापस थोड़ा सा ये ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा नहीं चाट मसाला नहीं, ब्लैक पेपर पाउडर। बीट रूट डालो सब, थोड़ा थोड़ा बीट रूट, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। अभी आप इसके ऊपर जिसको जिसको अनियन पसंद है डालो, नहीं पसंद है मत डालो। देन पुट ब्लैक पेपर पाउडर पन आणि थोडासा चाट मसाला पण। हाँ सी सी, नहीं वेट वेट वेट, पहले देखो ऐसे इसको अच्छे से एकदम आराम से इसको, हाँ जहां पे दो ब्रेड साथ में आते हैं ना उसको आपके थम से अच्छे से पकड़ना है। हम इसे मम्मा रोल करना पटकन ऐसे बटर पेपर, एक मिनट आ रही है शोरिया, अब हम इसे ऐसे बटर पेपर में पहले रोल करेंगे, नहीं और इसको यहाँ से ऐसे लॉक कर देंगे, लॉक दोनों साइड से, हाँ नहीं ताकि वो सेट हो जाए थोड़ा। हमने ये ऐसे रोल बनाया है, इसको हमें कम से कम 15 से 20 मिनट ऐसे ही रखना है, ठीक है? तो अब हम इसको हमारे बाकी रेसिपीज के बाद में देखते हैं। तो आज हम ना कुरकुरे बनाएंगे, उससे चाट बनाएंगे, लेकिन मम्मी डांटेगी ना अगर हम कुरकुरे खाएंगे तो, बराबर है ना? मम्मा डांटेगी घर में जाके, मुझे भी ऐसे चॉप 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 करेगी, बोलेगी क्या सिखाया, सब गलत सिखा दिया है कि नहीं? तो हम मम्मी को क्या बोलेंगे? मम्मी मैं कुरकुरे के साथ स्प्राउट्स खा रही हूँ। क्या करिए सिया? तो ये कुरकुरे हेल्दी हो जाएगा। ओके तो चलो सब लोग अभी नीचे एक कुरकुरे का लेयर बनाओ ना, देखो उधर से आएंगे कुरकुरे। अभी इसके ऊपर सब लोग पोटेटो डालो, इसके ऊपर वापस चाट मसाला डालो सब, थाम थाम चाट मसाला। हाँ चाट बना रहे तो चाट मसाला चाहिए ना, चाट मसाला हम बोल रहे हैं ना। अभी इसके ऊपर सब लोग प्याज डालो, हम डालेंगे यस ऑनियन, परफेक्ट। अभी उसके ऊपर कॉइल्ड बॉइल्ड कॉर्न डालो, टकला। अभी इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा चटनी डालो सब, चटनी मजा आ रहा है? हाँ। पक्का? हाँ। सबको? मुझे नहीं लग रहा है, सिर्फ सानवी को ही मजा आ रहा है ऐसे लग रहा है। सिया को क्या हुआ? सिया बोलती नहीं है, अभी अभी इसके ऊपर सब नींबू शरबत डालेंगे इसे। हम डालेंगे लेमन जूस। अभी इसके ऊपर ये ब्लैक पेपर पाउडर डालो, ये स्प्राउट्स डालेंगे सब। हुआ सबका? हाँ क्योंकि हमारा स्प्राउट्स चाट है ना। ब्लेस यू। इसके ऊपर वापस चाट मसाला डालो पहले। अभी इसके ऊपर टमेटो डालो सब, टमाटो। हाँ कृष्ण का है ये, हम इसमें थोड़ा सा दही डालेंगे। ओके दही मक्खन 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 एक 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 जाम नहीं है तो जाम नहीं है तो चाटून बग चाटून बग यम्मी है चाटो इट्स ई चटनी गोड़े किसी गोड़े सानवी सर के ना नहीं तो तू कहते हैं कि चाटल पिला कोणालाही न विचारता हात लावायचा। चलो सबने दही डाला, अभी हम उसके ऊपर ये जो चटनी अभी सानवी ने टेस्ट की थी वो डालेंगे। सानवी हाउ वाज द चटनी? चॉकलेट है तो? इमली, इमली चटनी है वो। अभी
इधर जो जो दिख रहा है सब वापस डालो, कुरकुरे और चिप्स छोड़कर। चलो डालो, हम डालेंगे ये भी इसके डालो, अंदर बॉइल्ड कॉर्न। इवन ये धनिया पत्ता भी डालो। तुम्हें खाना ना तेव्हा पूर्ण मिक्स करायचं आणि मग खायचं। हाँ, पूर्ण खालना डिक करून खायचं। नको, आता नको टाकू। ठीक है, तो ये हमारा चाट इज रेडी। अभी हम इसको ऐसे बंद करेंगे। चलो, सबको पांच पांच बिस्किट मिले, तो अभी ये जो एक्स्ट्रा बिस्किट है वो कहाँ जाएगा? पेट में। नहीं, वो टीचर के पेट में जाएगा। पहले हम क्या करेंगे? ऑल द बिस्किट वी विल ओपन फर्स्ट। ओके। एकदम आराम से अपना अपना बिस्किट ओपन करके। नहीं नहीं थम, मेरा हो गया सब लोग अपना बिस्किट ओपन करके, जो क्रीम का पार्ट है ना वो मेरे पास दे दो। अब तक क्रीम ही थे तब ऐसे। एट नहीं, 10 असनर। अपने अपने बिस्किट काउंट करो, 10 बिस्किट है क्या? अभी सुनो, इसमें से ना 1 2 3 4 5 बिस्किट्स बाजू में निकालो। 5 बिस्किट्स निकालो। ओके, 5 बिस्किट्स रेस्ट रखो। 5 बिस्किट्स अब इकड़े ना, बैग में डाल दो। हाँ, सब ये जो 5 बिस्किट्स निकाले वो बैग में डालो। चलो, बैग को सब सील करो। अभी ग्राइंड करो। चलो सब लोग ग्राइंड करो। अपना अपना बिस्किट तोड़ो, मेरा टेबल मत तोड़ो। तो हमने ओरियो पाउडर बनाई इससे, एकदम फाइन पाउडर, जितना फाइन कर सकते हो उतना फाइन करना है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमने व्हाइट क्रीम निकाला था उसको हम पहले से एक बोल में ले लेंगे, बाउल, बोल, व्हाटएवर। ओके, और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। हमने इसमें थोड़ा सा मलाई भी मिक्स कर दिया ताकि हमारा जो क्रीम है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, और हमने हमने जो क्रीम यूज किया या जो मलाई यूज की है वो घर के दूध की मलाई है, हमने अलग से फ्रेश क्रीम नहीं लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पाउडर्ड शुगर मिक्स करेंगे टू गिव इट द स्वीटनेस। ये लो इसे, नहीं था इसे, इसको अच्छे से मिक्स करो ऐसे ऐसे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट था मिक्स करके ऐसा ऐसा। हाँ, तो टुकड़े सुबह को बना इसलिए। चलो अब करो, फिर माही को, फिर आर्या को शिफ्ट दे दो। नंतर मी नाही। हाँ, ऐसा लाइन मध्ये जाओ, तुला लास्ट ला तू जास्ती वेळ कर। ओके, फॉरवर्ड इट। वेट 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 वेट, रुको जरा, अबे चलो चल। बस बस, आता थोड़ा सा इसमें दूध ऐड करेंगे ताकि ये ठीक हो जाएगा। नहीं, ये थोड़ा सा क्रीमी हो जाएगा। ये हमने दूध एक बोल में लिया है, अब हम मिल्क शेक साथ में बनाएंगे। चलो माही, डालो अपना पाउडर पूरा। पेपर बैग अंदर नहीं डालना बच्चा, ऐसे। अरे वाह, ये तो कुछ अच्छा दिख रहा है। इट्स लुकिंग गुड। चलो आर्या, यू पुट। ना दीदी जा, यू पुट। नाउ शो यू पुट। इट्स गोइंग वेरी गुड। बैक फेंकना नहीं है, बैक चाहिए अभी। इसमें से सिर्फ दो बिस्किट बाजू में हटाओ और बाकी बचे बिस्किट्स को वापस अंदर डालो। बहुत ज्यादा क्रश नहीं करना है आपकी बार। हाँ, थोड़ा थिक रखना। दिस वे। ये दिख रहा है क्या किसी को? मम्मी और चले? हो गया तो भी चलेगा, एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है। ओके, अभी पहले हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। चलो माई, बिना दूध गिराए मिक्स करो। दूध गिरेगा तो मिल्क शेक नहीं मिलेगा।
किसी ने तो अच्छे से ग्राइंड नहीं किया, देखो उसमें बच गया पीस। कौन है वो? ढूंढो। चलो आर्या दीदी नाउ यू टेक इट। अरे मम्मा ऐसे करना। ठीक है मजा वाला दूसरा मेल तीसरा है मुझे। हाँ बस मैं इसमें, अगर आपको चाहिए तो इसमें चीनी डालो, अगर नहीं डालेंगे तो भी चले। इट्स लुकिंग एम्प्टी। सी दिस, यू नो व्हाट वी शुड डू। आई विल ऐड हर्शीज। हाँ अब हम इसमें थोड़ा सा हर्शीज भी ऐड करेंगे। चॉकलेट सिरप, चॉकलेट सिरप, एनी चॉकलेट सिरप। ओ, बस बस इनफ इनफ। अभी हम इसमें वो जो आपने क्रश किए हुए टुकड़े हैं ना वो डालेंगे, लेकिन अभी नहीं डालेंगे। चलो अपने अपने ग्लासेस लेकर आओ, ले लो। सबको एक एक ग्लास। अब चलो अभी मैं सबके इसमें से हर्शीज आपको दूंगी, और हर्शीज के अंदर हमें डाला मिल्क, और फिर मैं कुछ करने ऊपर के स्प्रिंकल। इसके बाद कोई एक बार ग्लास में मिक्स हो गया तो कोई मिक्स नहीं करेगा। अभी किसी का ज्यादा किसी का ज्यादा कम नहीं है ना, सबका परफेक्ट है, सबका परफेक्ट है, मुझे पता था। सबसे पहले शौर्या बोलेगी। अब एक बिस्किट है ना उसको नीचे डालो, एक बिस्किट सीधा नीचे डालो। डाला हाँ एक बिस्किट डाला। हाँ। सबने डाला। हाँ। ओके अभी मैं सबके ग्लास में दूध डाल देती, सबके ग्लास सेंटर में रखो। चलो वेरी गुड, सब बेलन बाजू में हटाओ, अभी बेलन नहीं चाहिए हमको। वन टू थ्री डालू पक्का? मैं पीऊ थोड़ा सा? नहीं थोड़ा सा पक्का? नहीं। ओके ठीक है जाने दो, तुम लोग पियो। चलो अब हम फाइनली इसमें पोर कर देते हैं। सी द ग्लास इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल ना। सब लोग पहले ट्विस्ट करो फिर ट्विस्ट मिलेगा। सब लोग ट्विस्ट करो ऐसे अलग। माईचं चॉकलेट खाली गेलं, एक एक चॉकलेट अजून आण ग माईला, फक्त माईला तिचं चॉकलेट खाली गेलं माझ्याकडनं गेलं तुझं गेलं। अभि ये जो बिस्किट हमने तोडा था ना पहले उसको डालो, और फिर इसको ये सब पाउडर इसके ऊपर। ठीक है और उसके ऊपर आराम से आपका एक लास्ट जो ओरियो बिस्किट बचा है ना वो तो मेरा डूब गया। वेरी गुड, इसका फोटो खींचो, सबसे बेस्ट आ गया देख माई का। ये देखिए हमने इसे कट करने के बाद आई शो यू हाउ इट लुक्स। सी दिस, तो फूडीज आपने ये सारी रेसिपीज देखी होंगी और होप मेरे बच्चों की तरह आपने भी इन वीडियोस को और इन रेसिपीज को बहुत एंजॉय किया होगा। मेरे ऐसे ही वर्कशॉप्स और रेसिपी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। अभी के लिए बाय बाय।